पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ को देंगे नायाब तोहफा, रखेंगे राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का आधार। उद्योगों में 51,000 प्रशिक्षार्थियों को रोजगार दिलाएगी योगी सरकार, 3,00,000 युवाओं को मिलेगी कौशल विकास की ट्रेनिंग। डिग्री कॉलेज के छात्रों को कम अंक मिलने की होगी जांच, समिति को जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कुलपति ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की और ढील, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। गिरफ्तारी के बाद थाने में इंस्पेक्टर की टेबल पर खाना खाते दिखे भूपेश बघेल के पिता, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। कौन है तालिबान का गृह मंत्री, भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल था हक्कानी नेटवर्क, ओशी के नेता सिराउद्दीन को मिली कमान। बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, पूर्वांचल की 160 सीटों पर है खास प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव में चाचा को मिलेगा सम्मान, सपा मुखिया के बयान से चढ़ा राजनीति पारा। यूपी में जिलों के नाम बदलने की प्रक्रिया जारी, काशगंज और जौनपुर का नाम बदलने की हो रही मांग। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।